हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज, इन ए पॉपुलेशन ऑफ 1000 इंडिविजुअल्स, 360 बिलोंग टू जीनोटाइप डबल कैपिटल ए, 480 टू कैपिटल ए स्मॉल ए एंड रिमेनिंग 160 टू डबल स्मॉल ए। बेस्ड ऑन दिस डेटा, द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील कैपिटल ए इन द पॉपुलेशन इज। सो यहाँ पे हमें पॉपुलेशन दिया गया है ऑफ 1000 इंडिविजुअल्स, जिसमें 360 जीनोटाइप डबल कैपिटल ए को बिलोंग करते हैं, 480 कैपिटल ए स्मॉल ए दैट इज हेटरोजाइगस फॉर्म में बिलोंग करते हैं एंड रिमेनिंग 160 डबल स्मॉल ए दैट इज होमोजाइगस जीनोटाइप में बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील कैपिटल ए इन द पॉपुलेशन क्या रहेगा। ऑप्शन ए 0.7, ऑप्शन बी 0.4, ऑप्शन सी 0.5 एंड ऑप्शन डी 0.6। सो टू आंसर दिस क्वेश्चन वी हैव टू अंडरस्टैंड द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन फर्स्ट। हियर द की कॉन्सेप्ट विल बी हार्डी विनबर्ग इक्वेशन। सो हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल के हिसाब से क्या होता है, इट स्टेट्स दैट सम टोटल ऑफ ऑल एलिलिक फ्रीक्वेंसीज इज इक्वल टू वन, दैट इज ए कॉन्स्टेंट रहता है। ये हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल को स्टेट करते हैं एंड अगर हम इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखे देन इट इज पी प्लस क्यू इज इक्वल टू वन। यहाँ पे पी किसको डिनोट करते हैं, इट डिनोट्स द डोमिनेंट एलील एंड क्यू इट डिनोट्स द रिसेसिव एलील। एंड प्रिंसिपल के हिसाब से सम टोटल ऑफ ऑल एलिलिक फ्रीक्वेंसीज दैट इज बोथ डोमिनेंट एंड रिसेसिव, इनका सम टोटल क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू वन। नाउ अगर हम इस इक्वेशन को बाइनोमियल एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखे देन इट विल बी पी प्लस क्यू होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू क्या, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू। सो यहां पर जो पी स्क्वायर है इट विल रिप्रेजेंट द डोमिनेंट एली दैट इज बोथ कैपिटल डबल कैपिटल ए और ए स्क्वायर। इस कंडीशन को कहा जाता है होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन। क्यू स्क्वायर इट विल रिप्रेजेंट डबल स्मॉल ए और स्मॉल ए स्क्वायर एंड इट रिप्रेजेंट्स होमोजाइगस रिसेसिव एंड 2pq it represents the heterozygous condition that is capital A and small a together, so ye heterozygous condition hai. Now question mein kya diya gaya tha, jo total individual hai it is 1000। इसमें से जो होमोजाइगस डोमिनेंट के पॉपुलेशन है दैट इज बोथ कैपिटल ए और इसको हम ए स्क्वायर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इट इज 360। सो अगर हम इसका रेशियो निकाले विद रिस्पेक्ट टू टोटल इंडिविजुअल
इट विल बी 360 बाय 1000. सो जो ए स्क्वायर पॉपुलेशन है दैट इज बोथ डबल ए होमोजाइगस डोमिनेंट पॉपुलेशन, इसमें हमें 36 बाई 100 के रेशियो में पॉपुलेशन देखने को मिलेगा. एंड अगर हम इंडिविजुअल ए का निकाले देन इट विल बी रूट ओवर ऑफ 36 बाई 100 विच इज इक्वल टू 6 बाई 10 और इज इक्वल टू 0.6. सो जो होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में हमारा पॉपुलेशन रेशियो निकल के आ रहा है इट इज ए. यहाँ पे ए किसको रिप्रेजेंट करेगा, पी को, दैट इज होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन, इट इज 0.6. नाउ अगर हम इस ए के वैल्यू को पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 इस इक्वेशन में पुट करें तो क्या होगा, यहाँ पे 0.6 प्लस क्यू इज इक्वल टू 1. सो यहाँ से जो क्यू का वैल्यू हमें निकलेगा यहाँ पे इस इक्वेशन में इट विल बी 0.4. सो ये हमारे होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन के पॉपुलेशन का रेशियो भी हमें यहाँ पे मिल गया. अब अगर हमें हेटरोजाइगस केस में निकालना है दैट इज 2PQ जो कि रिप्रेजेंट करता है किससे, कैपिटल ए एंड स्मॉल ए. इस केस में क्या होगा, हम दोनों वैल्यू को पुट कर देंगे विच इज 2 इंटू 0.6 इंटू 0.4, तो इसका वैल्यू होगा 0.48. सो हेटरोजाइगस कंडीशन में जो हमें पॉपुलेशन रेशियो देखने को मिल रहा है इट इज 0.48. क्वेश्चन ने पूछा क्या गया था, क्वेश्चन ने पूछा गया था फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील ए दैट इज कैपिटल ए इन द पॉपुलेशन इज. सो अगर हम कैपिटल ए का वैल्यू देखें इट इज 0.6. सो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी 0.6. होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक.